दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी के समर्थन मिलने के बाद भारत बंद के तरफ बढ़ा रुख। बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर भारत बंद के एक दिन पूर्व किसान यात्रा को लेकर आजमगढ़ में भी सपा कार्यालय पर काफी गहमागहमी दिखाई दी। सुबह से ही कार्यकर्ता जहाँ लामबंद होने लगे, वहीं पुलिस फोर्स ने पूरी घेराबंदी कर हर तरफ भारी फोर्स तैनात की। कार्यालय के बाहर से कार्यकर्ताओं को बसों में गिरफ्तार कर उन्हें पुलिस लाइन लाया गया। वहीं सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने वर्तमान सरकार को किसान विरोधी बताया, वहीं सरकार की कड़ी आलोचना किया। सपा जिला अध्यक्ष ने भारत बंद का समर्थन भी किया। वहीं सीओ सिटी राजेश तिवारी ने बताया कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर ज़्यादा भीड़ भाड़ न जुटे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें पुलिस लाइन लाया गया था। अब देखिए आज भारत बंद का क्या असर दिखता है। आप देख रहे हैं सरफराज अहमद की स्पेशल रिपोर्ट आजमगढ़ से। यह है मोदी योगी की सरकार, किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। यह सरकार किसानों के जमीन को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखना चाहती है। जो यह काला कानून पास हुआ है, उस काला कानून में आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिससे गलत भंडारण की, जो लोग भंडारण करके काले धन का प्रयोग करते थे, उनको रोकने वाला जो कानून 1955 में बना था, उसको मोदी की सरकार ने खत्म करके पूंजीपतियों को खुली लूट की छूट दे दिया है। दूसरा उनका है जो MSP थी, जिससे जो फसलों का निर्धारण, मूल्य का निर्धारण होता था, वह कानून भी इन्होंने उसमें बदलाव कर दिया। आप पूंजीपति आज स्थिति है, धान की कीमत का समर्थन मूल्य है 1835 रुपया और किसान 901,000 रुपए देने पर मजबूर है। गेहूं का समर्थन मूल्य है 1900 आज गेहूं का मूल्य स्थिति यह है कि किसान 1300-1400 रुपए देने पर मजबूर है। आज जिस तरह का ये कानून बना करके जमीनों का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यह है, किसान की जमीन को पूंजीपति अपने मन से फसल का उत्पादन कराएगा और किसानों से अपने मनमाने दाम पर उसको लेने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी किसानों के इस मांग में समर्थन करती है। अखिलेश यादव को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसे काले कानून का लगातार विरोध करती रहेगी, किसानों में जनजागरण का काम करेगी। आज किस तरीके से आप लोगों ने काला कानून जो है में भी आपका सहयोग है, ये प्रदर्शन अभी तो हम लोगों ने, हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। अब यह है प्रदर्शन तो अभी हम लोगों ने सांकेतिक किया है, अभी इससे बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे। किसान को हम जगाएंगे, उठो, तुम्हें लूटने का प्रयास है सरकार कर रही है। मोदी योगी जो लोग लूट रहे हैं, धर्म का वास्ता देकर, जात का वास्ता देकर, ये आपको मूर्ख बना करके आपकी लूट हो रही है। और निश्चित तौर पर कल जो बंद होगा, भारत बंद जो आह्वान किया किसानों ने, उसमें समाजवादी पार्टी का भरपूर समर्थन होगा। ये हमारी निकली और एक मिनट रुक जाइए, बसों भर के कहीं ले जाया गया, तो क्यों ले जाएंगे और क्या मामला था? देखिए, ये जो कि समाजवादी पार्टी के लोग थे, हो सकता है बाहर अराजकता फैलाते तो हमारी जनता को किसी प्रकार अराजकता और लड़ाई किसी का सामना न करना पड़े, इसलिए इनको अरेस्ट करके ले जाया गया है। तो कहाँ रखा जाएगा सर इनको? इनको पुलिस लाइन ले गए हैं। अच्छा, तो शाम तक छोड़ा जाएगा? अब देखते हैं, जैसे ही व्यवस्था रहेगी, अगर शांति व्यवस्था कायम रहेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। ठीक, तो आगे की रणनीति तो अधिकारियों द्वारा तय की जाएगी। ठीक।